खुद मान रहे हैं ये। चलिए बाहर चलिए आप, हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए, कैमरे में हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। कर रहे हैं इनके पास राइट, किसने दिया मेरा कैमरा छीने का, मेरा माइक टच करने का, ये मुझे टच कर रहे हैं। वहाँ पर मैं खड़ी थी, इन्होंने माइक टच किया, ऐसे करने आपने किया हमारा माइक किया। आज मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ। इतना धक्का मारा है उन्होंने इनको और माइक भी गिर गया इनका, हाथापाई उन्होंने स्टार्ट कर लिया। ये मैडम है, ये देखिए यही मैडम है, कंपनी में अभी नौ जॉब दे रही थी, पैसे ले रही है, सारे भाग रहे हैं, सारे भाग रहे हैं, एक एक करके सारे भाग रहे हैं। ये देखिए ये सारे भागेंगे, सारे भाग रहे हैं, ये देखिए ना इनको देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं, फोन पे बात करते करते भाग रहे हैं। अब आप बताइए कंपनी फ्रॉड है या नहीं है। अब देखिए आप लोग सवाल करते हैं, इसमें पैसा अमाउंट लिखा है 3600 रुपए ऑनलाइन और ट्रेनिंग अमाउंट 3600 रुपए, लेकिन जब यहाँ आए तो आपको क्या पता चला क्या जॉब है? जॉब ही नहीं मिली मेरे को कोई। ये ऑनलाइन कैश दिए थे? ऑनलाइन दिए थे। हाँ हाँ हाँ, वो है मेरे पर प्रमाण है, दिए हैं तो है। हाँ हाँ, तो 4800 रुपए मांगा था ना। हाँ हाँ, आपसे भी अभी पैसे मांगे हैं? 2400 मांगे हैं। दे दिए क्या आप? नहीं मैंने दिया। किस चीज की जॉब के लिए आए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जॉब के लिए। तो क्या कह रहे हैं अंदर ये? 2400 रुपए दो भरना पड़ेगा, फिर एक हफ्ते आपसे भी पैसे जी मैं 1800। मेरे को आज बुलाया था, मैंने कल बोला था कि मेरे पास नहीं है, तो आज फिर बुलाया कि मैं आऊँ, उसमें कुछ कंपनसेशन कर लिया जाएगा, उसके बाद आप दे देना। तो मैं आज आई थी, अभी तो बाहर ही सुन लिया मैंने। 12 तारीख को 4200 रुपए लिए थे इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, अब आप देखिए ये कंपनी कितनी बड़ी फ्रॉड है, एक एक करके लोगों से पैसे ले रही है। ये मैडम जिस तरीके से बता रही है कि इनसे 4800 रुपए मांगे थे और बाद में फोन करके कह रहे हैं कि आप आ जाइए, आपसे कंपनसेशन कर लिया जाएगा। ऊपर देखिए आपको मैं दिखाऊं, कंपनी है और ये कंपनी लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देने के लिए यहाँ बुलाती है, लेकिन जब ये ऑनलाइन देखते हैं जॉब के बारे में तो उसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो कितना बड़ा फ्रॉड इनके साथ किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ये जो इलाका है नवादा है, ठीक सामने नवादा का मेट्रो स्टेशन है और पिलर नंबर है 717 और 716 के बीच में जो है ये। हाँ, पैसे रिफंड मांगने पे बोल रहे हैं जो मैडम, पैसे लिए उनका डॉगी का तबीयत खराब है। हाँ, बताइए कोई बिहार से आया है चाहे कहीं से आ रहा है जॉब के लिए और यहाँ डॉगी की पड़ी है इन लोगों को पैसे लेकर के। अब आप देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, इन सबसे पैसे मांगे गए हैं, बहुत सारे आपसे भी पैसे मांगे गए। जी मैम, 2400 रुपए मांगे गए थे एक्चुअली, इससे पहले यहाँ पे था उत्तम नगर वेस्ट पे ईस्ट पे, तो वहाँ पे 2400 रुपए मांगे। यही कंपनी थी? यही कंपनी थी मैम। अब मैं एक छोटी सी आपको बता देती हूँ कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या जब यहाँ पर हम आ गए हैं आज ये यहाँ पकड़े जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट होगी और ये बच्चे जब अपने पैसे इनसे मांगेंगे तो ये क्या करेंगे, आज ये ऑफिस यहाँ से बंद करेंगे, इनके कुछ पीछे से दरवाजे होंगे जिस दरवाजे से 1 सेकंड में यहाँ से भाग जाएंगे और यहाँ से बंद करने के बाद दूसरी जगह जाकर ऑफिस खोल लेंगे। इनका नवादा में भी ऑफिस था, द्वारका में भी ऑफिस था, लगातार ये लोगों के साथ ठगी करते जा रहे हैं। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है कि ठीक मेट्रो स्टेशन के सामने इतना बड़ा ऑफिस खोला हुआ है और बच्चों से 4000-8000, किसी से 5000, किसी से 7000 रुपए अलग अलग अमाउंट लिया जा रहा है और बच्चे दे भी रहे हैं। और उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि कंपनी जैसे ही पता चल रहा है बच्चों को फ्रॉड है और वो कंप्लेंट करने के आ रही, ये 1 दिन के अंदर अपना ऑफिस बंद करते हैं और 2 मिनट में यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ इसी तरीके का मामला हमने पहले भी आपको दिखाया था और आज भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ये कंपनी की ओनर है, ये देती है? हाँ मैडम, क्या करती हैं आप कंपनी में? मैं कंपनी में जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं जी। ये बच्चे पैसे मांग रहे हैं तो रिफंड होगा मैम इनका? पैसे मांग रहे तो आप जॉब क्यों नहीं दे पा रहे हैं मैम? अगर जॉब नहीं मिले तो इनका आना चाहिए ना रिफंड के लिए। ये तो आ चुके हैं रिफंड के लिए, नहीं आए क्या आप लोग? कहाँ गए वो? आप लोग रिफंड के लिए नहीं आए कभी? दे दिया है आपको रिफंड? सर 1 सेकंड, आपको पैसे दिए? पैसे पहले आए थे या नहीं आए थे? नहीं, नहीं है पैसे। पैसा नहीं आया। पहले आए थे कभी बात करने के लिए पैसों को लेकर? नहीं मैम, मैं आया था। आए थे ना, तो ये रिफंड देने से मना कर रही थी? हाँ। मैम जब मैं गया था ना तो पूरे ऑफिस ही उन्होंने गायब कर दिया था। गायब कर दिया था, 3 ऑफिस इनके बदले। अभी अभी कैसे दे देंगी आप? अब रिफंड कैसे कर देंगी? मैं आपको मिली थी? नहीं, आप अभी कह रहे हैं रिफंड दे दिए जाएंगे। हाँ तो मैम अभी रिफंड हो जाएगा इनका, अगर तो पहले जो हो जाएगा दे रहे हैं आप लोग। ये देखिए ये पीछे एक बार मैं भीड़ दिखाऊंगी, सारे लोग आप देखेंगे सब पैसे लेने आए हैं और अब रिफंड किया जा रहा है। जब भी मैं ऐसी खबरें करती हूँ उसके बाद क्या होता है, मैं मौके पे पहुँचती हूँ, तुरंत बच्चों के पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं और मैटर को यहीं सॉल्व कर दिया जाता है। आपने 112 पे कॉल किया या नहीं किया? मैम किया था। देखिए अब ये कंपनी क्या करेगी, रिफंड कर देगी और तुरंत यहाँ से बंद करके ऑफिस और कुछ ही सेकंड में रफू चक्कर हो जाएंगे। अभी ये बच्चे खुद कह रहे हैं कि इनका ऑफिस पहले द्वारका में था और उसके बाद ये ऑफिस यहाँ उत्तम नगर में ये नवादा पे खोला गया 717 पर।
मैं एक बार आपको डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, ये कंपनी किस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड करती है, और ये साफ तौर पर फ्रॉड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे किसी तरीके की कोई प्रमाण या कोई सच दिखाने की जरूरत नहीं है या जांच की भी जरूरत नहीं है, ये कंपनी फ्रॉड है, इस बात का आपको कुछ ही देर में एहसास हो जाएगा। मैं बताऊंगी किस तरीके से फ्रॉड है। ट्राई नेट सॉल्यूशन ये कंपनी है, देखिए इसमें पैसा अमाउंट लिखा है 3600 रुपये ऑनलाइन और ट्रेनिंग अमाउंट 3600 रुपये, यानी 3600 रुपये दो बार लिखे हुए हैं, और आपको जॉब दी जाएगी रिसेप्शनिस्ट की। लेकिन जब यहाँ आए तो आपको क्या पता चला क्या जॉब है? जॉब ही नहीं मिली मेरे को कोई, मैम कोई जॉब ही नहीं मिली, ये कह रहे जॉब नहीं है, जो करना है कर लो। जॉब देंगे कैसे, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं। ये देखिए ट्राई नेट सॉल्यूशन, इसके पास कोई प्रमाण नहीं है, ये कहाँ से रजिस्टर है कंपनी, कहाँ से नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। आपके सर कहाँ चले गए? 1000 रुपये मैम मैंने दिया है अभी इन्हें। ओहो अभी दे दिया, इन्होंने अभी लिया है। किसने लिया है आपसे? ऊपर मैम बैठी है, इन्होंने ये कौन है? ये भी नहीं। पैसे दे दिए आपने? मैम मैं तो कैसे तो लाई थी 1000 रुपये, मैंने इन्हें सेंड करवाए, फिर उन्होंने बोला 2500 रुपये मांग रहे थे कि मेरे पास 2500 रुपये तो थे नहीं, तो 1000 रुपये सेंड करवा दिए, 1000 रुपये दे दिया। तो मैम ये भी फेक होते क्या सारे? मैडम आपको ये पता होना चाहिए, मैं दोबारा आप लोगों को बोल रही हूँ, इन कंपनी में पैसे मत लगाइए। ये ट्राई नेट सॉल्यूशन हो गई, तमाम ये कंपनियाँ हैं, लगातार हम अपनी वीडियो बनाते रहते हैं, आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं, लगातार जागरूक करने की कोशिश करते हैं। 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये आप इन कंपनी में मत दीजिए, आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है। आप इस बात को समझिए, जो लोग लगातार इन कंपनियों में पैसे लगा रहे हैं ये बच्चे हैं जिनको नौकरी चाहिए, इनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, ये लोग नौकरी नहीं देते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के पर आपको बुलाते हैं, ऑनलाइन जब आप देखेंगे आपको रिसेप्शन तमाम अलग अलग तरह के बड़े बड़े काम लिखे होंगे, बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पोजीशन की जॉब मिलेगी। आप लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, आपसे पैसे मांगे जाते हैं, आपसे 4000 रुपये बोलेंगे, आप बोलेंगे 4000 नहीं है तो ये बोलेंगे 3000 दे दीजिए, आप बोलेंगे 3000 नहीं है तो ये बोलेंगे 2000 दे दीजिए, आपके पास जितना अमाउंट है आप उतना दे दीजिए, और आप दे देते हैं, और उसके बाद आप इस जाल में फंस जाते हैं। बच्चे अपनी मेहनत से किस तरीके से आप क्या पकड़िए क्या चीज़ कर रही हैं, आप रिफंड करा रही हैं क्या? क्या नाम है ओनर का? ओनर का नाम अंजलि। अंजलि वही थी अभी ऑफिस में? नहीं, कोऑर्डिनेटर सब यहाँ पर जॉब ही करते हैं मैम। अच्छा हेलो, तो पैसे कौन लेता है कंपनी में, आपसे किसने पैसे लिए हैं? ऊपर एक मैम बैठी है मोटी सी सांवली सी, उन्होंने लिए, उनका नाम तो मुझे। जाइए पैसे लेके आइए अपने, जाइए ये दे रही है रिफंड, ये दे रही है पैसे 717 पिलर नंबर 717 नवादा मेट्रो स्टेशन की कुछ ही दूरी पर है, और यहाँ पर इतने सारे लोग हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है। अब इनके पैसे सबके दिलाने का काम देखिए किस तरीके से चल रहा है, एक एक करके पैसे दिए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कहाँ से आपने जॉब के बारे में देखा? मैम ऐप पर देखा था। ऐप पर देखा? कौन सी ऐप पर? जॉब। अच्छा जॉब ऐप, वर्क इंडिया अपना ऐप, यही सारी? हाँ जी मैम। और अप्लाई कर दिया क्या? क्या फोन आ गई? किस चीज की जॉब के लिए अप्लाई किया था मैम? सिक्योरिटी गार्ड के लिए। सिक्योरिटी गार्ड, क्या क्या मिला अभी आप? मैम कुछ भी नहीं मिला। अंदर इंटरव्यू कैसे होता है बताना? मैम इजी होता है कि तुम्हारा नाम क्या है, कितनी पढ़ाई की है, यही सब पूछते बस, और कुछ भी नहीं पूछा, बस नाम क्या है नीतू, हाँ, और अपना मेरा रिज्यूम लिया इन्होंने। अब आप पैसे रिटर्न क्यों ले रही हैं? तो भरोसा कीजिए ना, जॉब देंगे आप? तो मैम इनको 15 दिन। मैडम आप सर आप पैसे वापस क्यों ले रहे हैं? आपको जॉब देंगे ना? जॉब आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिलेगी, लिखा है इनके पेपर पे साफ लिखा है रिसेप्शनिस्ट रिटेल जॉब देंगे। आपकी क्या जॉब थी? अकाउंट की जॉब मिलेगी आपको। आपकी क्या जॉब थी मैम? सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी आपको। आपकी क्या जॉब थी? सिक्योरिटी की जॉब मिलेगी। ये कंपनी अगर सच है, ये कंपनी सही, पैसे वापस मत कीजिए मैडम। नहीं स्कैनर नहीं, पैसे एक बार बताओ, अगर पैसे वापस नहीं, क्यों क्यों जॉब क्यों नहीं मिलेगी? कंपनी जॉब देने के लिए है ना, जॉब दीजिए ना, पैसे क्यों पहले क्यों पैसे लिए? नहीं पैसे नहीं, आपकी कंपनी ने पैसे लिए हैं। आप अपने ओनर को फोन करें, आप ओनर को फोन करके बुलाइए। आपने इंटरव्यू के लिए भेजा है हमें, आपने आप बैठी थी, आप वो मत करो मैम, आप साथ हो तो आपको देने पड़ेंगे ना, तो फिर आप बच्चा है। आप ऑनर को आप बैंगलोर है, ऑनर बैंगलोर चला कौन रहा है? पैसे किसने लिए? आप छुट्टी पे, पैसे अभी इनके पैसे किसने लिए? बुलाइए बुलाइए। नहीं नहीं रिफंड नहीं, आप कुछ नहीं रिफंड नहीं लेंगे, ऑन पेपर लिखिए। ऑन पेपर ही रिफंड? रिफंड नहीं होगा, रिफंड क्यों? जॉब दीजिए, आपने अपने पेपर पे लिखा हुआ है एज अ अकाउंटेंट की जॉब दी जाएगी, एज अ रिसेप्शनिस्ट की जॉब दी जाएगी, आप जॉब दीजिए, जॉब दीजिए। कंपनी जॉब देने के लिए है ना, पैसे जॉब के लिए लेती है, जॉब दिलाइए। रिफंड करवा रही हूं।
किस चीज के रिफंड देंगी आप पैसे? मैम किस चीज नहीं मिला है तो उस चीज क्यों नहीं दिया आपने जॉब? आज जब मेरे आने पर आप पैसे क्यों दे रही हैं? मैं जोर से ही बोलूंगी, आज एक नहीं है बहुत सारे बच्चे हैं, और मैं अपनी वीडियो से हमेशा बताती हूँ, ये मेरा कोई पहला वीडियो नहीं है, इस पूरे वेस्ट दिल्ली में जहाँ पर भी फ्रॉड होता है मैं हर जगह जाती हूँ, हर जगह कवरेज करती हूँ, और इस तरह की कंपनी का पर्दाफाश करूंगी, जरूर करूंगी। ये सारे बच्चे जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं, ये सारे बच्चे जो हैं ये हमेशा इसी तरीके से पैसे देते हैं और फंस जाते हैं। फेक लोग हैं, इन्होंने तो सिर्फ पैसे ले लिए, वो कुछ तो करे, हम इनसे फेक है, इनको क्या करेंगे, ये तो भग जाएंगे कहीं ना कहीं, वो मैम भी नहीं है, क्या करें हम, खुद मान रहे हैं ये। चलिए बाहर चलिए, आप मत लगाइए, हाँ दिखा रहा हूँ कैमरे में, हाथ मत लगाइए, कैमरे में हाथ मत लगाइए, आप गलत का साथ दे रहे हैं, आपने पता नहीं गलत चीज है सर हमारे साथ, आप आपने किया था, हमारा माइक गिर गया सर, आपने हाथापाई किया हमारे साथ, ये चाहे जो भी बात कहें, हाथापाई इन्होंने करी है, मैं अपनी मर्जी से कभी भी कहीं नहीं जाती हूँ, कंप्लेनेंट की कॉल पर जाती हूँ, मुझे कंप्लेंट आई थी कि इन्होंने इनके साथ ऐसा हो रहा है, और आप खुद सोचिए दिल्ली में लगातार इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, मैं क्यों ना जाऊँ, मैं क्यों ना दिखाऊँ, ये मुझसे सवाल कर रहे हैं, इनके पास राइट किसने दिया है मेरा कैमरा छीनने का, मेरा माइक टच करने का, ये मुझे टच कर रहे हैं, वहां पर मैं खड़ी थी, आपने हाथापाई की ना मेरे साथ, नहीं कैमरे में रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, आते ही कैमरा टच कर दिया है, आते ही माइक टच कर दिया है, ये हैं लोग, ये है माइक फेंका है इन्होंने, माइक वहां गिरा है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद माइक उठाया है, ये चला रहे हैं कंपनी, ये बच्चे हैं इतने सारे मेरे साथ, इन सबके साथ फ्रॉड हो रहा है, 2200 रुपए 2400 रुपए मुफ्त के पैसे आ रहे हैं, ये लोग अपने कमाते हैं जैसे तैसे करके यहाँ पैसे देते हैं। आप एक बात बताइए, मैं जब आई आराम से रिपोर्टिंग कर रही थी, क्या मैं अंदर गई? जी मैम अंदर, मैं किसी की अथॉरिटी में नहीं घुसी हूँ, ये कंपनी जो भी करती है, मैं अंदर भी नहीं गई हूँ, मैंने सिर्फ बाहर बात की है, ये आते हैं माइक मेरा सीधा धक्का मारा है उन्होंने इनको, और माइक भी गिर गया इनका, हाथापाई उन्होंने स्टार्ट करी आते हैं। अभी क्या किया इन्होंने? उन्होंने आपको धक्का दिया, मैंने भी देखा है, माइक मेरा गिरा, यह माइक आपको गिरा, हाथापाई करने लगे, देखा ना आपने हाथापाई, हाँ कैमरा छीनने की कोशिश किया, कैमरा छीनने की कोशिश, सर आपने क्या देखा? हाँ जीने के पास किए, जीने में से कोई गिर भी सकता, क्या मैं अंदर गई? नहीं नहीं, क्या मैं कंपनी में ऊपर गई? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ आपकी बातें सुन रही थी। यस मैम, यस मैम। उन्होंने क्या किया मेरे साथ? मैम हाथापाई कर रहे था, मीडिया को टच करना तो किसी में है ही नहीं, लीगल है ही नहीं, ठीक है, और सबसे बड़ी बात है मुंह की छुपा, देखो मैंने भाग भी रहा है, कहाँ तक भागेगा, कोई बात नहीं, अगर ये जिस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं कब तक भागेंगे, कैसे भागेंगे, मैं आज यहीं खड़ी हूँ, आज मेरे साथ बदतमीजी हुई है, ऑन कैमरा मैं बोल रही हूँ, लड़की इंटरव्यू दे रही, इन्होंने हमसे रिज्यूम लिया था, और इनको जब वही बैठी थी इंटरव्यू के लिए बैठा रही थी, आप इंटरव्यू ले रही थी, जाने दीजिए, वो लड़के भी है, वो जो बाइक लेके खड़े पीछे, वो भाग रहे हैं, पूरा एक सरगना चल रहा है, दिल्ली पुलिस कहाँ सो रही है, देश की राजधानी दिल्ली में फ्रॉड हो रहा है, डीसीपी हर्षवर्धन है इलाके के, आखिरकार उनसे भी मेरा सवाल है, आपका इलाका लगता है, आपके इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे चल रही है जो लोगों से पैसा ले रही है, और कहीं दूर नहीं ठीक मेट्रो स्टेशन के सामने है, आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? बीट ऑफिसर कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत है, जिसके कारण आज इस तरीके से लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, और जब हम उसको कवरेज करने आते हैं तो हमारा माइक छीन लिया जाता है, हमारा कैमरा छीन लिया जाता है, ये किस तरीके का न्याय है? क्या हमारे पास अब इतना राइट भी नहीं है कि जनता की आवाज उठा सके, जनता की आवाज को दिखा सके? और मैं अपने आप से नहीं आई हूँ, मेरे पास इन सभी बच्चों के कॉल आए हैं, ये सब बच्चे हमारा चैनल देखते हैं, और लगातार जब जब इनके कॉल आते हैं तब तक हम यहाँ आते हैं, और आज देखिए आप किस तरीके की बदतमीजी करके गए हैं, पूरा ऑफिस खाली हो गया, पूरे के पूरे लोग भाग गए हैं यहाँ से। ये मैडम, ये देखिए यही मैडम है, कंपनी में अभी नो जॉब दे रही थी, पैसे ले रही है, सारे भाग रहे हैं एक एक करके। अगर ये कंपनी सच्चाई के साथ खड़ी है, कंपनी के पास सब कुछ ट्रस्टवर्दी है, कंपनी लॉयल्टी के साथ बच्चों को जॉब दे रही है, तो क्यों ये कंपनी को ऐसे करके भाग रहे हैं, क्यों ये जॉब नहीं दे रहे हैं, क्यों ये लोगों का पैसा ले रहे हैं, और क्यों एक एक करके धीरे 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 निकल रहे हैं? हाँ सारे तो एक एक करके उतर के भाग रहे हैं, सारे भाग रहे हैं ये देखिए ना, इनको देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं, फोन पे बात करते करते भाग रहे हैं। अब आप बताइए कंपनी फ्रॉड है या नहीं है? अब देखिए आप लोग सवाल करते हैं, देखा आपने ऑन कैमरा, एक एक करके सारे बंदे इधर उधर से भाग रहे हैं, और आप सबको यही जॉब के लिए बुलाते हैं ना, इन्हीं को पैसे देते हैं।
2400 रुपए दे रहे हैं। 2400 रुपए किस चीज की जॉब मांगी? ये है डाटा एंट्री की। डाटा एंट्री की? वाओ, डाटा एंट्री के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं आपसे? क्या सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी आपसे भी कोई? मेरे तो सुपर उसके सिक्योरिटी के लिए बुलाया था। इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछते मैम, डायरेक्ट पैसे की मांग करते हैं। पैसे दो, ज्वाइनिंग लेटर लो। ज्वाइनिंग लेटर लो, एक दो दिन में नौकरी, एक दो दिन में नौकरी मिल जाएगी। हाँ। बोलता है तो सीधा डांट मारते हैं कि इंटरव्यू देना है नहीं देना, नहीं तो बाहर निकल जाओ। अच्छा, इंटरव्यू बोलता है सीधे।